Hello friends, this is Dharmendra with my new tutorial about how to draw a window in 3D while working in AutoCAD. So keep watching and subscribe my channel. Okay. If you wish, then share it and like it. So we are proceeding with the process. Principle कर दिए. Principle जब पकड़ने लगता है तो आधा काम आसान हो जाता है. ठीक है? हाँ, अब ये कैसे जाएगा? ठीक है, अब ये कैसे जाएगा उससे पहले एक और चीज कर ले हम लोग. ठीक है, ध्यान दीजिएगा. ऑलरेडी चूंकि जब फेस बना है तो सारा काम निपटा ही लेते हैं. क्या करते हैं? सारा काम REC इंटर, ये बेस पॉइंट हुआ और ये हो गया. अब इसको क्या करेंगे हम लोग, कोशिश करेंगे कि BS करके 2D कर लें, व्यू चेंज कर करके काम करेंगे तो क्या होगा, सहूलियत होगा. बाहर निकाल लिया आप, क्लियर है? अब आप क्या करते हैं कि ऑफसेट 3 इंच कर लेते हैं. क्या कर लेते हैं? ऑफसेट 3 इंच हो गया. ठीक है, अब एक्सट्रूड कर लेते हैं. क्या करते हैं? एक्सट्रूड कितना? 3 इंच हो गया. SU इंटर, कट गया. क्या हो गया? सब्सट्रैक्ट कर लिए. क्या कर लिए? ठीक है, अगर पैनल बनाना है, क्या करना है? पैनल बनाना है तो सेंटर देखिए कहां है. यहां से देखिए, नहीं तो वायर फ्रेम कर लीजिए. BS इंटर, 2D इंटर. ठीक है, L इंटर, ये रहा, हो गया. ऑफसेट 1.5 इधर, 1.5 इधर चले और 1.5 इधर चले. काम खत्म, डिलीट कर दीजिए. अब रेक्टेंगल बना लीजिए इस पर. क्या करना है? यही ना, हो गया. एक्सट्रूड कर दीजिए उसे. जा रहा है पीछे, माइनस में 3 इंच हो गया. अब अगर चाहते हैं कि पूरे में एक ही पैनल लगा दें, सेंटर पॉइंट लीजिए यहाँ से और यहाँ से ले जा करके इसमें मिला दीजिए. ठीक है, और वो जो सेलेक्ट किए थे उसको थोड़ा सा कम एक्सट्रूड कर दीजिए. कितना? 0.12, यानी एक ग्लास के बराबर. किसके बराबर? एक ग्लास के बराबर. अब इन सबको जब आप देखेंगे रियलिस्टिक में तो क्या दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बाहर वाले को दूसरे कलर से कर दिए और ये जो बना था ये बाहर बना था, इसको हम लोग मूव करके अंदर कर देंगे. क्या कर देंगे? थोड़ा सा डीप ले जाएंगे. कंट्रोल जेड, डिलीट करो, हटाओ. ठीक है, ये तो ठीक है, यूनियन कर लीजिए. क्या कर लेंगे? यूनियन. अब क्या करेंगे, या तो एक एक करके बनाएंगे या हम कर लेंगे यहां से. सेंटर कहां से मिल रहा? इनका, ये रहा. ठीक है,
अब इनको एक्सट्रूड करेंगे, क्या करेंगे, पहले इसको हम लोग कलर चेंज कर लें, क्या बात है, इसमें बनाया का लेयर में, हाँ तो विंडो का लेयर क्या है, अच्छा रेड है, तो ये विंडो रेड में ही बनाना था, ठीक है, बाय लेयर, हो गया, विंडो रेड में बना था तो रेड में बनेगा, ठीक है, ई एक्स टी इंटर 0.15, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करके आप क्या करते हो, बाय लेयर इसका कलर लाइट कर देते हो, क्या करते हो, कोई लाइट कलर कर देते हो, ठीक है, ये इजी तरीका हो गया। इसके बाद चाहते तो क्या करते, इसको अलग एक्सट्रूड करते, इसको अलग एक्सट्रूड करते, उसको खोल लेते, क्या करते, एक को विंडो को खोल लेते, सिंपल सिंपल पैनल बन गया, ठीक है। अब ये हो गया, ग्रुप करेंगे, क्या करेंगे, ग्रुप करेंगे, ग्रुप, चलिए अब ये चीज हम ले जाकर के कहां करते हैं, वहां सेट करते हैं, क्या करेंगे, मूव, यहां से पकड़ेंगे, कहां से पकड़ेंगे, यहां से, ठीक है, सेंटर से पकड़ेंगे और अंदर की तरफ रखेंगे, कहां रखेंगे, दिख रहा है, हाँ? अब कुछ चीजें जो हैं हम लोग ड्राफ्टिंग सेटिंग चेक कर लेते हैं कि क्या सेट है, सब कुछ सेट है, ठीक है। अब हम रियलिस्टिक की जगह फिर हम सेडेड विथ एज कर लेंगे तो हमें ये फायदा होगा कि एज दिखाएगा, किनारा, हाँ किनारा दिखाएगा जब जाएंगे तो, है, मूव, ठीक है। अब इसको वी एस इंटर करके, टू डी इंटर करके देख लीजिए कि ये परफेक्ट अपनी जगह पे बैठा है कि नहीं, ठीक है, देख के चलें, ठीक दिखा रहा है, अपनी जगह पे है, ठीक है, दोनों तरफ हमें स्पेस मिल गया, काम खत्म। अब आते हैं क्या कि इसका यूज कैसे करेंगे। अब देखिए इसका भी यूज हो सकता था, ये जो था ना रेक्टेंगल बना के सीधे हाइट दे देते, हाइट दे के मूव कर देते तो भी हो जाता, ठीक है, लेकिन ये भी एक तरीका है काटने के लिए। अब ये प्रेस पुल करेंगे, क्या करेंगे, अब इसको नहीं पकड़ रहा है तो क्या दिक्कत है, दिख रहा है, नहीं पकड़ रहा है ना, जबरदस्ती नहीं कर सकते, कह रहे कि अब यहाँ पर स्पूल का यूज नहीं है, नहीं है यूज, तो हम क्या करेंगे, एल इंटर करेंगे और इस लाइन को क्या करेंगे, मिला लेंगे, क्या करेंगे, मिला लिए, हो गया। अब हम क्या करेंगे, रीजन करेंगे, क्या कर देंगे, हो गया, अब इजीली एक्सट्रूड किया जा सकता है, कितना, 3 इंच, ठीक है। अब दो तरीके हैं, एक तो तरीका यह है कि सीधे आप 3 एरे कमांड मारें, क्या मारें, 3 एरे कमांड मारें, तो एक तो ये हो सकता है कि सीधे ऊपर चला जाएगा, एक नीचे रह जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि अब आपको दिखा दें हम इसका यूज कैसे करेंगे, है, CO इंटर अंडू, कॉपी करके भी जा रहे हैं, हैं, कैसे जा रहे हैं, नीचे वाले लाइन को पकड़ेंगे, कौन किसको पकड़ेंगे, नीचे वाले लाइन को पकड़ेंगे और सीधे जाके देखेंगे कि सेंटर पॉइंट कहाँ है, ये रहा, ठीक है, तो यहाँ रख दिया है, ठीक है, और फिर ये सेंटर पॉइंट यहाँ है, हाँ? तो ऊपर नीचे दोनों हो गया, क्या हो गया, ऊपर नीचे, वी एस इंटर टू डी इंटर आर, वी एस इंटर आर इंटर, ठीक है,
थोड़ा सा अंदर घुस गया है, हैं अंदर घुस गया है इन सेंस। अब क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, है इसकी हाइट कितनी है, 3a। बेस्ट तरीका यह है, चलते हैं UCS को अब W कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं W। 3a इंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एरे, नंबर ऑफ रो कॉलम नहीं चाहिए, लेवल चाहिए, दो और लेवल के बीच का डिस्टेंस कितना है, 5 फीट है। न इधर ले जाना पड़ा न उधर ले जाना पड़ा, अपने आप जाके वो अपनी जगह पे बैठ गए, ठीक है। तो इनका कभी यूज है बढ़िया है। अब क्या करना है आपको, अगर आपको लगता है कि हाँ आजकल जो लोग बना रहे हैं, एक सर्कल यहाँ बनाया, VS इंटर किया, 2D इंटर किया, बना है, ठीक है। रेडियस माप के बल लीजिएगा आप, हम नहीं माप रहे हैं, ठीक है। यहाँ ले जाके छोड़ दिए, हैं MI इंटर किए मिरर, क्योंकि बराबर चाहिए ना, ये नहीं है लाइन है कि नहीं, इसमें का पकड़ेंगे, MI इंटर सेंटर, कोई बात नहीं है। तो सीधे क्या करेंगे, यहाँ से ये ले लेंगे, ये रहा कितना है, 5 फिट एंड कितना है जी तुम, DLI माप लेंगे कि नहीं, माप के ही बनाएंगे, 2 फिट लेते हैं, फिर 2 फिट ज्यादा हो जाता है, 1 फिट लेते हैं, डिलीट, ठीक है, एम इंटर बहुत सारा ऑन है, सेंटर जो है बहुत सारा ऑन है, तो हम लोग सीधे कॉपी करेंगे, क्या करेंगे, कॉपी करके रख देंगे, ठीक है। इसमें से देख लेते हैं कि सेंटर यहाँ पे पड़ कितने पर रहा है, 4 इंच पे कितने में पड़ रहा है, 4 इंच पे, फिर इधर से हम लोग चलेंगे VS इंटर 2D इंटर R इंटर, ये बहुत अंदर चला गया है, इसको उतना अंदर नहीं जाना है, हटा दो इसको, काम खत्म। हम लोग यहाँ से चलते हैं L इंटर, बस, और रखते हैं इसको हम लोग, कितना है, 1.5 फीट है ना, तो हम लोग 9 इंच रखते हैं अब, ठीक है। फिर यहाँ से भी एल इंटर करते हैं, 9 इंच ही चलते हैं, जो चल करेंगे वो दोनों बराबर करेंगे, 9 इंच करते हैं, दोनों का सेंटर मिल गया। अब जो साइज लेंगे रेक्टेंगल सर्कल का, वो साइज दोनों में ले लेंगे, हैं रेडियस कितना रखें, 3 इंच, ठीक है। यहाँ पे भी सर्कल में रेडियस 3 इंच, ठीक है।
आप सर्कल में सी इंटर रेडियस 1 इंच, ठीक है, और यहाँ भी सर्कल में रेडियस 1 इंच हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग कि कॉपी करते हैं, दोनों का, ठीक है, और उठा करके कहाँ पे जाते हैं, नहीं 3 फीट 6 फीट है ना, 5 फीट है ना, 5 फीट पे जाते हैं, कितने पे जाते हैं 5 फीट, हो गया, आ गया है ना यहाँ पे, हाँ दिख रहा है। अब अंदर वाला आते हैं हम लोग मूव कमांड देख के, क्या करके एम इंटर दोनों को ये जाते हैं हम लोग कितने पे, 5 फीट के बदले 2.5 फीट पे, कितने पे, चाहे 2 फीट पे ही ले लीजिए 2 फीट पे ले लेते हैं, हो गया। अब चलते हैं वी एस कर लेते हैं, वी एस इंटर आर टू डी इंटर, 3 हमें ऑब्जेक्ट मिल गए हैं, क्या मिल गए हैं, 3। अब क्या करेंगे, एल ओ एफ टी लॉफ्ट, क्या करेंगे, एक कमांड हो रहा है, नया कमांड 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, बहुत सारा हो गया, एक ही करना था, लॉफ्ट कमांड 1 2 और 3, हो गया, हाँ ये बन गया है, इसको भी कर लें 1 2 और 3, ठीक है। तो ये जो डिजाइन है वो क्या हुआ, लॉफ्ट कमांड से बन गया, किससे बन गया, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, मेजरमेंट आप सही रखिएगा और उसको उस पर काम कीजिएगा तो दिक्कत नहीं है। हाँ 2D बढ़िया बनेगा तो 3D ऑटोमेटिक बढ़िया बनेगा। लॉफ्ट कमांड था, क्या था, लॉफ्ट कमांड का काम क्या है कि 2-3 ऑब्जेक्ट को एक साथ 3D में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, LOFT, ठीक है। अब ये था कि चलिए एक विंडो बना, लेकिन ये विंडो एक सिंपल मेथड से ऐसे बनेगा, हम आ जाते हैं इस तरफ आपको आसान कर देने के लिए, साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक इधर आ जाते हैं, ठीक है। हालांकि एक बन गया तो उसको ग्रुप कर लीजिए और जगह जगह मिरर करके रखते चले जाइए, वो आसान चीज़ है, लेकिन फिर भी इन केस अगर आपको अलग अलग चीज़ें करनी है, ये फेस रखा जैसे UCS इंटर F इंटर, ठीक है, ये फेस रखा आपने, अंडू, UCS इंटर कहाँ क्लिक हो गया, हो गया, ठीक है। ये जैसे ही बनाए तो समझिए कि अब जो भी काम होने वाला है इसके ऊपर होने वाला है। आप कहते हैं कि हमेशा यह रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा, नहीं, कुछ कमांड आगे आने वाले हैं जिससे आपको ये भी नहीं करना पड़ेगा, यही कॉपी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये फेस जो है कॉपी होके बाहर चला आएगा और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। VS इंटर 2D इंटर, ये देखिए मूव कर लें इसको। अब जो है आसान सा अब तरीका है, इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, एक्सप्लोर, हाँ, ऑफसेट 3 इंच,
ठीक है। ऑफसेट 1.5 हो गया। एंटर, फिर इसमें सेंटर से है, दिख रहा है ऑफसेट 1.5, इस तरफ भी और इस तरफ, ठीक है। अब क्या करना है, इन सबके ऊपर रेक्टेंगल बना देना है। क्या करना है, सबको क्या करना है, रेक्टेंगल बना देना है। कैसे, और मान लीजिए आपने REC इंटर किया, अगर ये ओवरलैप कर रहे हैं, पूरा पूरा ले रहे हैं, तो आधा चलेगा, क्या चलेगा, हो गया। ये पूरा लाइन ले लिए हैं, ये भी पूरा लाइन ले लिए हैं, दिख रहा है ना, हो गया। बाकी लाइनें क्या चलेंगी, यहां से चलेंगी हैं, चाहे तो आप ऐसे कर लेंगे, यहां हो गया, और ये भी क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, हो गया। अब आप एक बार क्या एक बार में करोगे, काहे एक बार में करोगे, फिर वो डिजाइन थोड़े है रह कहलाएगा, एक बार में तो एक रेक्टेंगल होगा। हाँ ये होगा कि मैंने जो बताया है मल्टीपल कमांड दोगे तो रिपीट हो जाएगा वो बार बार, माने आपको REC करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर है, ये ठीक है, ये जादू नहीं है, काम तो आप ही को करना है, टेक्निक है लेकिन काम तो अब एक ही बार में क्या हो जाएगा, क्या करना चाहते हो, तो अभी इतना फ्रेम मत बनाओ, एक ही रखो, मैंने अभी एक ही बार में दिखाया था, पहला वाला ऑप्शन क्या था, अभी एक बार में ये हो गया कि आपने ये देखा REC इंटर हो गया, D इंटर 6 पहले चलेगा है, एट द रेट 6, अच्छा 6 फिट ले ही लिया जाए, स्पेलिंग फॉर इट। और आप लोगों के पूछने से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कि आप लोगों को कुछ घंटा याद नहीं रहना है, बात समझ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कि ये सिस्टमेटिक हो गया, और बाकी चीज़ें क्या है कि आपने पूछ तो दिया कि एक बार में नहीं हो जाएगा, अब वो मैं बता दूंगा, वो फिर याद नहीं रहना है आपको, एक वो कमांड के रूप में बताऊंगा मैं कि ये किस कमांड का यूज होता है। आप लोग काम सीखना नहीं चाहते हो, घोड़े दौड़ाना चाहते हो तो दौड़ाओ, लो मैंने तो दिखा दिया, ये रहा। एक चीज बताया जा रहा है, क्या पता वो समझ में तुमको आया है कि नहीं, तब तो दूसरा घुसा दिया, हो गया काम, अब मैं चला गया वहां पे, क्योंकि मैं छोड़ता नहीं हूं सवाल को, तो मैं छोड़ता ही नहीं हूं, हो गया। हाँ, एक कमांड है पी सॉलिड, क्या है, पॉली सॉलिड है, हो गया। इसमें हाइट ले लेंगे 3 इंच का, विड्थ ले लेंगे 3 इंच का, ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट ले लेंगे, वो इंटर करेंगे, ठीक है, एक इंटर, दो, तीन, लो हो गया जी, एक बार में हो गया। लेकिन पीछे वाले का क्या हुआ, ये तो जादू था, ये तो कभी भी होना था, ये हो सकता है इसके बाद आने वाला था ये, लेकिन वो गोल हो गया। ये कमांड है पॉली सॉलिड है, ठीक है, BS इंटर, चलना नहीं है सिस्टम से, ठीक है। आप कहते कि उतना कहे के लिए बता रहे हैं, डायरेक्ट यही कहे नहीं बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसको आप मैनेज नहीं करोगे तो अभी कहीं कहीं पता चलेगा कि सब बराबर नहीं है हाइट और विड्थ, तो आपको तो डिसाइड करना पड़ेगा कि हाइट इसमें कौन है, विड्थ कौन सा है।
समझ रहे हो, हमने तो चूंकि तीन तीन दिन सबका मान लिया है तो ये आसान पड़ा, एच इन थ्री और डब्लू थ्री, लेकिन कहीं पे एच थ्री हो और डब्लू डेढ़ हो तब आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये पतला हो रहा है ये मोटा हो रहा है, ये वाला मतलब मोटा हो गया, ये वाला पतला हो गया, ये वाला इधर वाला मोटा होना चाहिए तो इधर वाला मोटा हो गया, तो आप जो जजमेंट नहीं कर पाओगे वैसे ही आप फंसे हुए हो, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें पढ़ रहे हो कि आर पार जा रहा है। ठीक है, तो हम चूंकि ये सारा काम इनके लिए हो रहा है, किनके लिए हो रहा है कि इसमें से 25% भी इनको याद आएगा तो ये दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, हाँ तो क्वेश्चन आपका हो गया, मैं इसको टिक मार दूंगा कि मैंने पुलिस अलर्ट बता दिया, ये दोबारा पूछे थप्पड़ मारूंगा। ठीक है, काफी एंजॉयबल चीजें हैं, थ्री डी क्या है, काफी एंजॉयबल चीजें हैं, लेकिन जब आएगा तब आएगा। ठीक है, हाँ जब टू डी आप अच्छा से बनाने लगते हैं तो देख रहे हो टू डी ही ना है, थ्री डी में तो कुछ हलवा है, थ्री डी क्या है, थ्री डी एकदम ईजी है, बस ये समझना है कि लगाना कब है। चार कमांड 3D बनाने के लिए यूज हो रहा है, तो चार में से कौन लगाए यहां पे। ठीक है, जब तक UCS के बारे में नहीं जानते थे तब तक फंस रहे थे आप, अब आप कम से कम ये होगा ना, नहीं मालूम है कि यहां क्या लगेगा तो तीनों करके देख लेंगे, हमेशा यह ध्यान रखेंगे वापस जरूर आ जाइए, UCS फेस ले लिया नहीं हो रहा है UCS W ले लो, फिर VCS X ले लिया, अच्छा इसमें भी नहीं हो रहा है UCS W लेके वापस आ जाओ, UCS Y ले लिया फिर VCS W लेके वापस आ जाओ। ठीक है, वापस जरूर आ जाना है कि जेड तुम्हारा ऊपर है, ऊपर हमेशा रहे, जैसे हम लोगों ने अभी रखा है इसके इस काम के लिए, हाँ तो UCS हमारा जेड इधर है, ठीक है तो हम लोग W ले लेंगे। ठीक है, इसमें भी है कि अब दो तरीके हो गए, अब आप इसी पोर्शन में से रेक्टेंगल बना बना के अंदर बना दिए, चार गो अलग अलग रेक्टेंगल बना दिए है, और नहीं रेक्टेंगल बनाए तो प्रेस पुल अगर इस पर अप्लाई होता हो, प्रेस पुल बार बार कहता हूं कि सब पे अप्लाई नहीं हो पाता है, हाँ इस पे ले लिया है तो एक इंच ये ले लो, तीन इंच का है ना, एक इंच इंच ले लिया, एक इंच ये ले लिया, तो जहां अप्लाई हो रहा है वहां कहां दिक्कत है, अजान नहीं होगा क्या करोगे, रोगे कि बाकी कमांड दूसरे कमांड देखोगे, हो गया। अब आप क्या करते हो, आप कहोगे कि अब तो कलर करना है, तो इसके लिए भी अलग अलग उपाय हैं, जैसे मटेरियल लेते हो MAT इंटर है, ठीक है हम इसमें सर्च करेंगे क्या वुड, क्या सर्च करेंगे, वुड लेंगे या स्टील लेंगे, इसी में से देख लेते हैं वुड कहाँ है। ठीक है आ गया, अब वुड में से कोई उठा के आपने यहां डाल दिया, हो गया। ठीक है, अब ग्लास ले लिया, क्या क्या ले लिया आपने, इसमें से देखा जेनरेट, 3D का शुरू होते ही लगता है सिस्टम कहता है कि मुझे बकस दो, नहीं थोड़ा सा आराम से करना होता है, हम लोग को जल्दी जल्दी बताने के चक्कर में ना। चलो कोई नहीं, थोड़ा स्लो हो जाएगा, आ गया होता है जब इतना सारा ग्राफिक्स आप बताओगे तो। ये चीज़ रहा कि इसमें आप कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हो, मटेरियल भी अप्लाई कर सकते हो, दिख रहा है हाँ। अब ये सब एक ही बार में हो रहा है जो तुम कहे थे ना, हाँ इसमें दो बार नहीं कर रहे हम कुछ, ठीक है। अब इसको उठा करके ले जाके रख दीजिए, क्या दिक्कत है, है? उससे नहीं हो तो जमीन पे बना लीजिए, ऐसे W में ही बना लीजिए विंडो, और जब अलाइन कमांड मारेंगे तो जाके फिट हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो आज के लिए काफी है,
और सबसे जरूरी है एक चीज एक बार यूज कीजिए, जैसे एक्सट्रूड कर रहे हैं ना तो एक्सट्रूडे करते चले जाइए कि उसका प्रैक्टिस हो जाए, प्रेस पुल यूज कर रहे हैं तो प्रेस पुल करते चले जाइए। अभी तक मेरे को 6 डे का कुछ भी नहीं मालूम चला सर। ठीक है तो ये भी नहीं जाना शुरू। ठीक है तो चीजें ये है कि कमांड जानते रहिए। तो क्या है ना सर, सोच रहा कि हम बना लिए तो सब कुछ जान गए। ना ना वो कोई घबराने की जरूरत नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हम है हम हैं, हम सब बताएंगे। सर नहीं सर ऐसा ही बात है, पिछला लाइन का भी आदमी नहीं बचेगा, सबको बताएंगे। नहीं नहीं हो गया, पूछ लिए तो हम बता भी तो दिए। ये होता है डेमो, क्या हो गया डेमो, उसके बाद सीखना है। मैंने आराम आराम से सीखेंगे तो नहीं सीखा नहीं है लोग, मैं नहीं सिखाया हूँ, मैं बस दिखाया हूँ। ठीक है कौन सा पढ़ा है। हाँ कोई नहीं कोई नहीं, मैं तो